प्रिय विद्यार्थी बंधुगण, आपण मानू ओडिया अध्ययन यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आसंतु ओडिया पिजिटी पाई आज आम आलोचना करवा ब्रजनाथ बड़जेना संपर्क। तेब ब्रजनाथ बड़जेना होती रीतिजुगर अन्यतम श्रेष्ठ कवि। से 1730 ख्रीष्टाब्दरे ढेंकानाल रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1800 ख्रीष्टाब्दरे शरीर त्याग करथिबार जणा जाय। तेबे तांकर जन्म केउठारे हितला ढेंकानाल रे हितला एवं से 1730 मसीहारे जन्मग्रहण करथिले। तेबे तांक पितांक नाम थिला बाळुंकेश्वर पटनायक। ब्रजनाथ बड़जेनांकर पितांक नाम कौन थिला? पितांक नाम थिला बाळुंकेश्वर पटनायक। बड़जेना ब्रजनाथंकर राजदत्त उपाधि। प्रश्न रे आसीपे जे पिता जितेबले बाळुंकेश्वर पटनायक ब्रजनाथ बड़जेना हेले किपरी? आमे मन रखा हेब जे बड़जेना हेउची ब्रजनाथंकर राजदत्त उपाधि। तेबे ब्रजनाथ थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी। से एकाधार रे कवि, शिल्पी, वैद्यशास्त्र निपुण, ज्योतिष शास्त्र धरिण, संगीतज्ञ, बहु शास्त्रविद। से साहित्य सृष्टि करिबा संगे संगे तुलिका द्वारा अति सुंदर चित्रपट मध्य अंकन करिबारे सिद्धहस्त थिले। पुणि से हाथीदंत, तालपत्र, बांशपत्र, बौलमंजी, अभ्र ओ चकड़ा उपरे चित्रांकन करिपारथिले। तेबे तांको रचना गुड़िक हेउछि देखिबा प्रथमे काव्य संग्रह केली कलानिधि, विदेश अनुचिंता, दशपुई, गोपी विलास, श्याम रासोत्सव, पिचक्षणा, अंबिका विलास, समर तरंग। तापरे तांकर क्षुद्र कविता गुड़िक हला चंडी मालश्री, राजनंकु छलौक्ति, राजसभा, केतोटी जणाण और संगीत। तेबे से गद्य कौन कौन रचना करिछंती देखिबा चतुर विनोद। तापरे तांकर हिंदी रचना गुड़िक हला गुंडीचा बिचे एवं संस्कृत रचना हला मनोदूत। तेबे कविंकर केली कलानिधि एक विशिष्ट रचना निश्चित भावरे अटे। एही काव्यटी 16 छंदरे समाप्त एवं उपेन्द्र भंजंकर प्रेम सुधानिधिर अनुकरण रे लिखित होइछि। रीतिजुगर आदर्श रे रचित एही काव्यटी स्थल विशेष रे उपेन्द्र भंजंकु मध्य अतिक्रम करि जाइछि एवं श्याम रासोत्सव रे 12 गोटी छंद स्थान पाइछि। एहा तालप्य स अक्षर नियम रे श्रीमद् भागवतर रास पंचाध्यायी कथावस्तु आधार रे रचित। तेबे ग्रंथर शेषरे गोपी भक्ति उत्कर्ष प्रतिपादित होइछि। अंबिका विलास काव्यटी अनियमरे रचित। एहा शिव पार्वतींकर विवाह एही काव्यर उपचिव्य विषयवस्तु अटे। एहा केन्दुझर राजा प्रताप बलभद्र भंजंकर नामरे भणत्य होइथिबारु केही केही तांकु ए ग्रंथर रचयिता भावरे मध्य ग्रहण करंती। किंतु कवि निजर अन्य एक कृति राजसभारे एहा निज रचना बोली प्रकाश करिथिबार जणा जाय। तापरे तांकर रचित समर तरंग हेउछि एक काव्य। एथिरे 1781 ख्रीष्टाब्दरे ढेंकानाळर नरपति मरहट्टा मानंक मध्यरे होइथिबा युद्धर वर्णना करिछन्ति। ग्रंथटी अति सरस सुंदर होइपारिछि। कविंकर वर्णना चातुरी एवं प्रतिभा जोगु गुंडीचा विजय हेउछि तांकर एक हिंदी रचना जेउथिरे जगन्नाथ महाप्रभुंक गुंडीचा यात्रार वर्णना करा जायछि। एवं विचक्षण हेउछि एक काल्पनिक काव्य
दशछंद विशिष्ट यही काव्यटी असंपूर्ण अटे। ब अक्षर प्रतिपादर आद्यरे रखा जाई एहा रचित। कवि एथिरे संस्कृत अलंकार शैलीर अनुसरण करी स्वपांडित्य परिचय देछंती। आउ एक तंकर अनन्य सृष्टि हला चतुर विनोद जहाँकि एक गद्य रचना। यार नामकरण संबंध में कवि कहते हास विनोद रस विनोद नीति विनोद एवं प्रीति विनोद यहीपरी चार गोटी विनोद हेबारु एपरी चार गोटी विनोद हेबारु ए कथा नाम चतुर विनोद अथवा चतुर लोकंकर विनोद हेबारु ए घेनी चतुर विनोद। तेबे गद्यरे लिखित हेले हैं यार रचनाशैली पद्यात्मक